हम उससे कहेंगे कि सलोनी नाहर की मौत हो गई है। संभाल अपने आपको, हम हैं। मैं पानी लेके आती हूँ। मत रो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। भागो है ना तेरी भाग। ये इस घर की प्रिंसेस का नया नाटक। कहाँ से लाए? ठीक हो श्वेता बेटा, अब कैसा लग रहा है बेटा? मुझे मालूम है आप लोग मुझे सच छुपा रहे हैं। तुम्हें किसी ने कुछ बताया है क्या? नहीं, किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, पर मुझे पता है कि कुछ तो ऐसा हुआ है जो आप लोग मुझे बताना नहीं चाहते। श्वेता बेटा, देख, तुमने जो सुना वो सच है, वो सच है। तेरे मम्मी पापा किसी काम से गए हुए थे ना, तो जब वापस लौट रहे थे तो उनका डॉक्टर ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की बेटा, लेकिन भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। श्वेता नहीं बेटा, ऐसे नहीं हो सकता। श्वेता नहीं जा सकते, उन्हें बुलाओ, उन्हें वापस बुलाओ। श्वेता नहीं, आप लोग सब गंदे हैं, आप लोग करें, आप लोगों ने मेरी मां को जाइए, आप लोग जाइए, आप चले जाइए, आप लोग चले जाइए, मुझे छोड़ के जाइए। किससे बात करूंगी, किससे सिद्ध करूंगी, बोलो सावरी। हमेशा सच्चाई का साथ दे। अगर सच्चाई का रास्ता कठिन लगे तो आंखें बंद करके अपने पापा और मम्मी को याद कर ले। कीड़े नहीं श्वेता, माँ पापा हमसे दूर नहीं जाते, वही तो है जो हमें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अगर तुम्हें कभी भी उनकी याद आए ना, तो तुम अपनी आंखें बंद करके उन्हें याद करना, फिर देखना तुम्हें लगेगा जैसे वो बिल्कुल तुम्हारे पास है। प्लीज श्वेता मत रो।
समझ सकते हो ब्रजेश आप पे क्या बीत रही है। जिस सलोनी पर अपने से भी ज्यादा विश्वास किया हमने, सपने में भी नहीं सोचा था कि वो ऐसी निकलेगी। सलोनी ने इस घर को तोड़ के रख दिया ब्रजेश। ब्रजेश अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। आपको इस घर का सहारा बनना पड़ेगा ब्रजेश। ब्रजेश आपको ठीक होना होगा, मेरे लिए, पापों के लिए, इस घर के लिए। आप सुन रहे हैं ना? थोड़ा सा खा लीजिए। उस नाटक बॉस को झूठ बोलने की क्या जरूरत थी कि उसकी माँ मर चुकी है। मैं सब जानता हूँ, कुछ मरी वरी नहीं है वो। ऐसे कैसे मर सकती है वो? आदि प्लीज अब तुम मुझ शुरू हो जा। तुम जानते हो ना श्वेता की तबीयत खराब है, पता नहीं क्या बीत रही होगी उस पर। मुझे सिर्फ इतना पता है, जो कुछ भी मेरी माँ पे बीती है उसके लिए मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूँ जिसने मेरी माँ को मारा है वो अभी तक जिंदा है, और उसे और उसकी बेटी को सब भुगतना पड़ेगा। मैं उसे सब सच बता दूंगा। तड़पना होगा उसे भी जैसे मैं तड़पा था अपनी माँ के लिए। भाभी साहब आपको और भाई साहब को भाभो बुला रही हैं। पिया तुम जाओ, हम आते। सबके लिए ये बहुत मुश्किल हो रहा है स्वीकारना कि हमारे घर का एक बेटा हमें छोड़कर चला गया है। उसके जिंदा रहने का भरम भी टूट चुका है, और सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है कि उस औरत के छलावे की वजह से हमें अपने नाहर का अंतिम संस्कार करना भी नसीब नहीं हुआ। ईश्वर की मर्जी, पर अब मेरी बस एक ही इच्छा है कि मेरे नाहर की आत्मा को शांति मिले। इसलिए मैंने कल घर में उसका तीसरा रखवाया है, और इस तीसरे के साथ साथ मैंने सलोनी का भी तीसरा रखा है। इस घर के लिए मर चुकी है वो। श्वेता भी यही समझती है कि उसकी माँ नहीं रही। बाकी बच्चे भी कैंप से कल सुबह लौटेंगे, तो सबके दिल में ये विचार बिठाने का इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं। नाहर और सलोनी के तीसरे के बाद मैं फिर कभी सलोनी का नाम इस घर में नहीं सुनना चाहती। ओके समर, ओके बाय बाय। भीमा साहब का खाना कमरे में लगा देना, वो लेट आएंगे वहीं पर खाएंगे। लोगों का जी भर के शोक मनाना हो गया हो तो खाना खा लीजिए। मैं पूरे दिन आपके पीछे खाना लेके नहीं घूमूंगी, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं।
ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। रहिए भूखे पेट और आंसू बहाइए पूरे दिन। खम्मा खड़ी रात को आने के लिए क्षमा चाहती हूँ। आपको बताने आई थी कि कल मैंने अपने नाहर का तीसरा रखा है और उसके साथ साथ आपकी बेटी का भी। बाबू सलोनी तो वो हमारे लिए मर चुकी है। किया उसने हम सबके साथ, उसके बाद हमारी जिंदगी में उसका कोई अस्तित्व नहीं, कोई रिश्ता नहीं। बाबू आप विश्वास नहीं होता कि आप क्यों मुझे ऐसी बातें सुन रहे हो। आप इतनी निष्ठुर कैसे हो सकते हैं बाबू। निष्ठुर तो आपकी सलोनी थी, मैं तो सिर्फ उसकी मौत का तीसरा मना रही हूँ। उसने तो एक पूरे परिवार को, रिश्तों की पवित्रता को खत्म कर डाला। उसे तो उसी दिन मर जाना चाहिए था जिस दिन उस बहरूपिये को अपने पति की जगह दी थी। नाहर के साथ खत्म हुई होती तो आज हम पूजते उसे, हमारी पीढ़ियां तक याद करती सलोनी को। लेकिन अब उसका नाम भी लेना हमारे घर में पाप है। सलोनी आपकी बेटी थी, इसीलिए आपको यह खबर देना जरूरी था। एक विनती और है आपसे। श्वेता मेरे नाहर की आखिरी निशानी है, बहुत सदमा पहुंचा है उसे। सलोनी के जिंदा होने की खबर उसे देकर इस घर का दुख और ना बढ़ाए तो बड़ी कृपा होगी। आशा है आप मेरी बात का मान रखेंगे। मैं उसे देख लूंगी सावरी, तू जाकर अपने कमरे में सो जा। लेकिन बाबू मुझे नींद कैसे आएगी, श्वेता तो रो रही है ना, और आप तो जानती हो ना। मैंने तुझसे कहा है ना तू जाके सो जा, जा। पिया रात बहुत हो गई है, तू भी जाके सो जा। सुबह जल्दी उठकर तीसरे की तैयारी करनी है। लेकिन बाबू श्वेता को चुप कराए बिना। नहीं पिया, आज हम उसे सहारा नहीं देंगे। सच्चाई उसे अपने आप ही समझ जाने दो कि अब उसके माँ बाप लौट के नहीं आने वाले। धीरे धीरे जिंदगी अपनी रफ्तार पकड़ ही लेगी ना। मुझे पता है तुझे अपने माँ पापा की याद आ रही है ना।
तुमसे मिलना चाहती है ना, मैं तुझे उनसे मिलाती हूँ, आ जा। वो वाला तारा दिख रहा है तुझे? अरे वो वाला, वो मेरी माँ है, सावित्री माँ। तुम्हें पता है, जब कोई हमसे दूर चला जाता है ना, तो वो ऊपर जाकर एक तारा बन जाता है, और फिर वो हमें ऊपर से देखता है कि हम ठीक तो है। अरे उसकी साइड वाला तुम्हें दिख रहा है, दो चमकीले वाले? हाँ, वो तेरे माँ पापा है, वो भी तुम्हें देखते होंगे हमेशा ऊपर से, और उन्हें भी बहुत बुरा लगता होगा कि तुम इतनी दुखी रहती हो, और जब ऐसा होगा कि वो नहीं सह पाएंगे तो फिर वो तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, फिर वो ऐसी जगह जाएंगे जहाँ से तुम उन्हें नहीं दिखोगी और तुम भी उन्हें कभी नहीं देख पाओगी। अब तुम्हें सोचना है कि तुम्हें हर रात अपने मम्मी पापा को देखना है या नहीं। चलो श्वेता, सोने का टाइम हो गया है। तुम्हारी जरूरत है माँ, कितनी सारी बातें जो तुम्हें बतानी है मुझे, अपनी, श्वेता की, सब की, लेकिन कैसे बताओ? मत करना, लेकिन लेकिन श्वेता ठीक नहीं है माँ, उसे बहुत तकलीफ हो रही है आपसे दूर होकर। सॉरी माँ, मुझे उससे झूठ बोलना पड़ा कि आप और पापा लिख भी नहीं सकती, ऐसा कहा, लेकिन मैं क्या करती, श्वेता इतना रो रही थी ना, और मुझसे उसका रोना बिल्कुल देखा नहीं जाता, वो बहुत प्यार करती है आपको, वो नहीं रह पाएगी आपके बिना। माँ, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं श्वेता का ध्यान रखूँगी, आप मुझे शक्ति दो ना माँ कि मैं ये प्रॉमिस पूरा कर सकूँ। लेकिन आप चिंता मत करना, मैं ये सच किसी को नहीं बताऊँगी कि मैं आपकी बेटी हूँ, मेरे लिए तो बस यही खुशी की बात है कि आप मेरी असली माँ हो। जल्दी लौटाना हाँ माँ, श्वेता आपको हर वक्त याद करती रहती है, वो आपके बिना नहीं रह सकती माँ, उससे आपकी बहुत ज़रूरत है,
मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती। प्लीज जल्दी लौट आओ ना।